शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के 20 साल पूरा होने पर संस्थान द्वारा T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। SBS कप 2020 का आज दूसरा लीग मैच मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच खेला गया, जिसमें मुजफ्फरपुर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवरों में 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जबकि जवाबी पारी में बेगूसराय की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर बस 109 रन ही बना सकी। और इसी तरह मुजफ्फरपुर ने 12 रनों से यह मैच अपने नाम कर लिया। मुजफ्फरपुर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आलोक को मैन ऑफ द मैच के रूप में भगत सिंह की स्मृति चिन्ह दी गई। शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान रन बाई गारंट फाउंडेशन के द्वारा पिछले कई वर्षों से राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों टीमें भाग लेती हैं और यहाँ के स्थानीय दर्शक भी हैं, बहुत लुत्फ़ उठाते हैं और बहुत सहयोग भी करते हैं। ये महिला क्रिकेट कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के हम लोग देहात सुदूर एरिया के लोग हैं, यहाँ के महिलाएं लोग को मतलब लोग प्रमोट नहीं कर पाता है, तो हम लोग एक छोटा सा खेल के माध्यम से हम लोग छोटे से प्रयास किए हैं कि हमारी युवा युवतियाँ देखें इस चीज़ को और आगे बढ़ने में उन लोगों को अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा जी। इस खेल के क्षेत्र में हम लोग एक छोटा सा राशि रखे हैं, विजेता को 50,000 रुपये 51,000 रुपये देना है और उप विजेता को 21,000 देना है। मैन ऑफ द सीरीज 7,000 है और भी बहुत सारे पुरस्कार कैश पुरस्कार हैं, और साथ में जो महिला टीम एक दिवसीय होगा एक दिन के लिए, दो टीमें आ रही हैं भाग लेने, उनको विजेता के 11,000 देना है, उप विजेता को हमको देना है 5,500 और भी सब कैश पुरस्कार हैं जो महिलाओं के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, उत्थान के लिए उनके। हम लोग कुछ मुख्य उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने सामाजिक क्षेत्र का कोई भी कार्य हो, जैसे कि आपदा आती है, पिछले अगस्त सितंबर में आया था दरभंगा मधुबनी में आपदा आया था, उसमें हम लोग बाढ़ राहत पीड़ितों को सहायता के लिए करीब 2,000 परिवारों को हम लोग मदद किए, कपड़ा दिए, खाने के सामान दिए, बहुत सारा चीज़ लेकर हम गए थे। उसके बाद हम लोग वृक्षारोपण भी कराते हैं, अभी हाल ही में 18 जनवरी को शहीद रामाशंकर पटेल का स्टैचू हम लोग लगवाए संस्थान के माध्यम से जी। विशेष काम मतलब हम लोग का यह है कि युवाओं को उत्थान के लिए जो भी संस्थान से बन पाता है कर पाते हैं, हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं और सहयोग भी करते हैं।